ये है मेन वो जहाँ पर हमको दी गई थी फांसी, यहाँ लटका के इसके अंदर डालते। जा रहा हूँ मैं आजाद हिंदुस्तान में एक बार फिर से पैदा होने जा रहा हूँ। Hey guys, very good morning. My name is Shia, and you guys are watching Live Chalima. Welcome back to the channel. ये words हैं कुछ जिन्हें राजेंद्र नरी जी ने अपने उनको जब उनको फांसी दी गई थी तो उनने ये वर्ड्स बोले थे और कहा था कि एक बार फिर से कि मैं एक बार फिर से पैदा होऊंगा आजाद हिंदुस्तान में। ये वो शख्स हैं जिनने काकोरी कांड, जब 1925 में काकोरी कांड हुआ था लखनऊ के पास में, ब्रिटिशर्स की जो उनका वो सुनाना आया था उसमें इनको फांसी दी गई थी और वो यहाँ गोंडा में दी गई थी। तो आज मैं आपको लेके आया हूँ गोंडा के डिस्ट्रिक्ट जेल में, जहां पर आज उनको फांसी दी गई थी। मतलब कहने का मतलब यह है कि 17 दिसंबर 1927 को ही उनको फांसी दी गई थी, आज 17 दिसंबर है। तो आज मैंने सोचा कि आज एक्चुअली होता क्या है कि जो गोंडा का डिस्ट्रिक्ट जेल है उसके बगल में जो जहां पर उनको फांसी दी गई थी वो एरिया ओपन कर दिया जाता है लोकल पब्लिक के लिए पूरे साल में केवल एक दिन, एक सिंगल डे में। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि चलिए और दिखाते हैं मैं आपको कि कहाँ पर उनको फैक्चुअली में फांसी दी गई थी और कहाँ, मतलब उनका जो स्मारक चिन्ह है और जहाँ पर उनको उनकी बॉडी को दफनाया गया था साइड में, बैक साइड में, इस साइड में, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और मेरे साथ में है ये विवेक श्रीवास्तव। तो मैं आपको वीडियो स्टार्ट करके चला, हम लोग स्टार्ट करते हैं और चलते हैं अंदर और दिखाते हैं आपको। तो यू गॉट टू स्टे विद मी एंड लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो, लेट्स स्टार्ट। जो राजेंद्र नाथ जी ने अपने लास्ट टाइम पे कहा था जब उनको फांसी होने से पहले, और ये वो प्लेस है, एग्जैक्टली वो प्लेस है जहाँ पर उनको फांसी हुई थी। तो मुझे आप थोड़ा सा टाइम दो, मैं आपको एग्जैक्टली ऊपर से दिखाता हूँ कि कैसे वहां पर उनको फांसी दी गई थी। ये देख रहे हो आप, वो ऊपर वाला, वहीं पर उनको फांसी दी गई थी और वहां से उनसे लटका दिया गया था और वहां पर लिखा भी है मतलब क्या है। और इधर साइड में यहाँ पर लिखा हुआ है फ्रीडम इज माई बर्थ राइट, मेरा मतलब कैसे लोग थे वो, कैसे हैं जिनकी वजह से आज हम हैं। अगर वो ना हो होते शायद तो हम ना होते, हमने इतनी कम एज में इतना कुछ कर दिया एक साथ से ही। और ये जो काकोरी कांड हुआ था और उसमें उनको फांसी मिली है वो हमारे गोंडा में ही दी गई थी, यहाँ पर उनके डिस्ट्रिक्ट में। ये बगल में आप ये सारी वॉल देख रहे हो, ये आपकी ये डिस्ट्रिक्ट जिसकी मतलब डिस्ट्रिक्ट जो जेल है गोंडा का उसी की वॉल है, बस इतना एरिया ओपन किया था। तो मैं अभी आपको ऊपर टॉप से दिखाता हूँ अच्छे से। तो गाइस ये है मेन प्लेस, थोड़ा सा आवाज का थोड़ा मेंटेनेंस वाली बात करूं, ये देख रहे हो आप, ये है मेन वो जहाँ पर हमको दी गई थी फांसी, यहाँ लटका के इसके अंदर आके करके। बच्चे काफी अदा हो रहे हैं तो इसलिए काफी रश हो रहा है, धीरे धीरे रश बढ़ रहा है क्योंकि मॉर्निंग में है तो इसलिए थोड़ा सा कम रश है। वैसे देख रहे हो कितना रश ज्यादा हो रहा है, बच्चों को देख रहे हो बहुत ज्यादा आवाजें बहुत ज्यादा आ रही है। तो ये तो मेन है ही, सही है ना। और इधर लिखा है, देखो क्या लिखा है, फ्रीडम इज माई बर्थ राइट, मेरा जन्म, ये हमारा बर्थ राइट है कि हमको जो मिले ये हमसे कोई छीन नहीं सकता है। और ये यार इतने लंबे थॉट्स के साथ में इनने ये किया था और इतनी कम एज में इतना कुछ करके चले गए, और किसके लिए किया, हमारे लिए, हम लोग अगर वो ना, हम ऐसे लोग ना होते शायद हम लोग ना होते। तो बस ये देखो यहाँ से, आप यहाँ से यही है मेन, इसके अंदर डाउन से आप देखोगे तो क्या लगेगा, जगह नहीं है मगर यहाँ पकड़ने के लिए बंद करा गया है, यहीं पर वो फांसी दी गई थी, एग्जैक्टली यही वो जगह है। अभी तो सर रश पे जा रहा है तो मैं आपको साइड से दिखाता हूँ, ये मेन जेल है गोंडा का, डिस्ट्रिक्ट जेल,
तो वो अभी तो इधर ओपन नहीं है, मगर जेल लगाऊंगा कि ये इस वाला पार्ट जिसमें राजेंद्र राजा जी को दी गई थी, उनको फांसी दी गई थी, वाला हिस्सा ओपन कर दिया गया है पब्लिक के लिए, मेनली लोकल पब्लिक के लिए। और अभी हम लोग और जो चीज़ें अगल बगल देखते हैं और फिर घूमते हैं। तो गाइस ये है वो जहाँ से मेन ऊपर हुई थी यहाँ उनको फांसी और यहाँ पर उनको लटकाया गया था। बताओ कैसे था यार, मतलब सच में कैसे था। और ये देख रहे हो आप इंडिया की टॉप के ऊपर, यहीं पर हुआ था इनका मेन। सो गाइस ये है इनका स्मृति चिन्ह राजेंद्र नारायण जी का। और ये देखो यहाँ पास है, यहाँ पर उस साइड बैक साइड में वहां पर उनका जहां पर उनको फांसी दी गई थी, और साथ में बगल में ही है जो डिस्ट्रिक्ट जो जेल है गोंडा का वो, और उसका इतना हिस्सा मतलब इधर का पूरा एरिया ओपन किया जाता है केवल पब्लिक के लिए, वो केवल स्पेशली आज के लिए, पूरे ईयर में एक दिन आज ही ना 17 दिसंबर को ये ओपन रहता है, लेकिन वो जो मेन एरिया जहाँ पे फांसी हुई थी वो बंद रहता है, वो केवल 17 दिसंबर को ओपन होता है। मतलब इतना हिस्सा ओपन रहता है, वैसे भी नॉर्मल लोगों की तरह नहीं होता, मगर इतना आप आ सकते हो, देख सकते हो इतना एरिया में। मगर यहाँ तो केवल जो भी कल्चरल प्रोग्राम्स हो गए वो होते हैं, या फिर जो होते हैं मतलब इधर उधर होते रहते हैं। और उस साइड में मेन जहाँ पर है वहाँ पर आपका मेन उनको फांसी दी गई थी, एकदम बैक साइड में देखो आप, वहाँ पर जहाँ व्हाइट रंग की इधर ये जहाँ व्हाइट रंग की एक वॉल दिख रही है, वहाँ पर वो उनका एरिया जहाँ पर उनको फांसी दी गई थी। और जस्ट बगल में ही है पूरी आपकी जेल की बिल्डिंग, पूरी वो सारी देख रहे हो, ये सारी वॉल्स देख रहे हो, येलो कलर की वॉल है ये पूरी दूर तक का, वहाँ तक का वो सारी वॉल्स पूरी जेल में आती है। मतलब 40 फीट तो होंगे ही, लग रहा है 30-40 फीट तो होंगे ही, 30 फीट तो हो गए। अब कुछ सपोज तो कोई भाग रहा है, इसी में भागने की कोशिश कर रहा हो तो कोई भाग ही नहीं सकता नहीं भाग सकता। अब अगर उसने वहां से जंप किया तो टूट जाएगा हाथ चल मॉर्निंग में जो SP है हमारे यहाँ के वो, और सारे जो इवेंट्स हुए थे कल्चरल इवेंट्स में वो सारे यहाँ हुए थे। अभी तो थोड़ा टाइम हो गया, थोड़ा लेट कर दिया, लेट नहीं कर दिया हम लोग को, मेन था वही था ना वहाँ पर वाला, ये तो केवल साइड से ही है। नहीं जैसे यहाँ पे प्रोग्राम जो होते हैं ना वो सुबह के टाइम में, जैसे स्कूल के बच्चे सुबह आते हैं फिर उनको छोड़ना भी रहता है, तो इस वजह से जल्दी से प्रोग्राम सुबह ही स्टार्ट हो जाता है यहाँ पे। हाँ हो सकता है इसलिए हुआ। अभी तो यहाँ पर मेन है आपका, यहाँ पर आके देखो मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ से मेन है, कि रश कम हो गया है, रश कम हो गया है तो इजिली से अच्छे से वीडियो बन जा रहा है। मगर वहाँ पर तो अभी भी है जहाँ पर उनको फांसी दी गई थी, वहाँ पर तो काफी अभी भी है। देखो अभी आप इस साइड से, एक सेकंड मैं आपको दिखाता हूँ कि कहाँ पर एग्जैक्टली एंट्री है, ये देख रहे हो। अब साथ में ही ब्लड बैंक के लिए एक ब्लड डोनेशन बस भी है, अगर आप अच्छा हो तो ब्लड डोनेट कर सकते हैं जाकर वहाँ। और ये देखो अभी आप ये देख रहे हो, ये इतने हिस्से में, ये बैक साइड में, ये हिस्से में, यानी कि वंदे मातरम यहाँ से मेन एंट्री है। यहाँ से एक जगह दिखाता हूँ मैं आपको एक बार फिर से एंटर करके, ये मेन एंट्री हुई। और वो देखो वहाँ पर, वो मेन वहाँ पर है जहाँ पर उनको फांसी दी गई थी, आगे उनकी जो स्मारक है, जो उनकी मूर्ति है। और ये इतना पूरा हिस्सा, ये देख रहे हो पूरा हिस्सा, ये केवल आज ही के दिन ओपन है केवल। और रियली होप आपको देख के बड़ा अच्छा लगा हो। और अभी हम लोग यहाँ से निकलते हैं और साइड में जहाँ पर उनका वो उधर क्या है, हाँ जहाँ पर उनकी बॉडी को दफनाया गया था वो है, तो वहाँ भी चलते हैं। चलो गाइज ये था राजेंद्र लाल नेहरी जी का आज का ये वीडियो। और जब 1925 में जब काकोरी कांड हुआ था तो उस वक्त 4 लोगों को मिली मतलब डेथ की सेंटेंस दिया गया था, उनमें से रामप्रसाद बिश्नोई, अशफाक उल्ला खां और रोहन एंड रामप्रसाद राजेंद्र लाल नेहरी जी, इन 4 लोगों को डेथ का सेंटेंस दिया गया था। और एक चंद्रशेखर आजाद जी जो मेन थे, वो तो मेन रहते हैं हमेशा जगह पर, वो तो पकड़े गए ही नहीं थे, बस उनको किसी अपने ने ही उनको बता दिया था। जो एल्फ्रेड पार्क में मैंने वीडियो बनाया, आप देखना ऊपर मैं लिंक में डालूंगा एल्फ्रेड पार्क का, जो इलाहाबाद में है वहां पर वो उनको वहां पर ही अपने आप ही को उनने गोली मार ली थी, और कहे थे कि हम किसी से पकड़े नहीं जाते। और रही बात राजेंद्र नेहरू जी को, नेहरू जी जो पकड़े गए थे तो यहाँ नहीं पकड़े गए थे, वो पकड़े गए थे बंगाल में, पता है आपको
वो बंगाल में पकड़े गए थे, और यहाँ पर आके जब उसके बाद हंगर स्ट्राइक हुई थी कोर्ट्स, मतलब सारे जहाँ जहाँ लोग ने जहाँ जहाँ जेल में रखे गए थे वहाँ सब लोग ने खाना खाने बंद कर दिए थे, और हंगर स्ट्राइक हुई थी क्योंकि उन लोग के साथ में जो बिहेवियर था वो बहुत अलग था, मतलब कि जो ब्रिटिशर को रखा जाता था वो अलग से अच्छे से रखा जाता था और बहुत ही मेंटेनेंस से, जबकि इन लोगों को रखा जाता था तो बहुत गंदगी तरीके से, क्योंकि ये लोग अपनी फाइट के लिए अपनी फ्रीडम के लिए फाइट करते थे, फ्रीडम फाइटर थे, इसलिए बहुत ही लेवल पे गंदगी लेवल पे ही रखा जाता था। तो उनका मेन रीजन ये भी था कि हमारे साथ में भी एक ऐसा ही बर्ताव किया जाए जो सबके साथ में बराबर नॉर्मल से, हम लोग के अंदर मतलब पार्शियलिटी क्यों की जा रही है। और इसके बाद यहाँ पर उनको राजेंद्र धरी जी को 17 दिसंबर 1929 को उनको यहाँ गोंडा में फांसी दी गई थी। तो रियली होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो और बहुत अच्छी चीजें जानेंगे, मतलब क्योंकि बहुत हमारी जो हिस्ट्री है, मतलब ये वो लोग हैं जिनकी वजह से आज हम लोग हैं शायद, मतलब आज भी अगर हमें देश को आज़ाद ना मिलता, आज़ादी नहीं मिलती, तो पता नहीं क्या हम कहाँ होते, हमारा फ्यूचर क्या होता। आज हम एक फ्री स्पेस में, एक फ्रीडम में हैं, एक सांस ले रहे हैं, और शायद अभी भी वो वुमेंस के लिए नहीं है, वो थोड़ा गड़बड़ है, बिकॉज अभी भी वुमेंस उतनी ज़्यादा फ्रीडम नहीं फील नहीं होती हैं। अभी एक जनरली अभी हम लोग का उन्नाव का जो केस हुआ है उसमें अभी तक का उनको घूम रहे हैं, तो मगर थोड़ा सा वो चीज़ें मेंटेन करनी पड़ेगी, वो सबको करना है, ऐसे ये नहीं है कि कोई स्पेशली एक लोग या दो लोग या फिर कैसे ही कुछ लोगों की सोच में लाना है, वो चेंज चाहिए हमको सोच में, क्योंकि सबके लिए आज़ादी है और इस सबके लिए फ्रीडम है, ये किसी एक के लिए नहीं है कि मेंस के लिए स्पेशली है और लड़कियों के लिए जो वुमेंस है उनके लिए नहीं है, ये कुछ तो चेंज, ये तो चेंज करना ही पड़ेगा, ये सोच चेंज करे बिना नहीं होना है, क्योंकि यहाँ पर ये वो नहीं है कि इनने घर में आप बैठे हो कि टीवी पे आपने देख लिया कि यार ये बंदा गंदा है, क्योंकि वो हम ही लोग में से कुछ होते हैं जो हम ही लोगों के साथ में रहते हैं और वो बाद में कुछ गलत करते हैं तो लोग कहते हैं यार ये तो बहुत ख़राब था, मैं तो इनके साथ में था ही नहीं, या फिर कुछ भी कहानी निकाल लेते हैं, तो वो हिस्सा थोड़ा सा नहीं सही है। तो ऐसा हमें करना चाहिए कि हमें एक अपनी एक एटमोसफेयर बनाना चाहिए कि जहाँ पर मैन एंड वुमेन सब इक्वल हैं, लाइक ए जेंडर इक्वलिटी। तो अब मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीक, मगर हो सकता है कि संडे को ये वीडियो मेरा नेक्स्ट वीडियो ना आ पाए, बिकॉज इस वीक में तो ये वीडियो आ गया है, लास्ट वीक में मैंने दो वीडियो डाले थे वो गोप्रो हीरोइट वाले, मगर अभी ये वाला वीडियो जो है वो गोप्रो से तो नहीं बनाया, एक्चुअली मेरा थोड़ा सा SD कार्ड का इशू फंसा हुआ था इसलिए मैंने बना नहीं पाया, बट फिर नेक्स्ट वीक में आपको संडे को नहीं डालूंगा मगर उसके बाद डालूंगा जल्दी ही आने वाले, क्योंकि बिकॉज आगे की वीडियो बहुत अच्छे आने वाले हैं, एक तो गोप्रो से आने वाले हैं और मैं आपको कहीं स्पेशल जगह लेके चलने वाला हूँ, एज आई मैं स्टार्टिंग से इस मंथ से कह रहा हूँ, तो वो मैं आपको लेके चला हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीक, जय हिंद, सिया एंड वंदे मातरम।